पाकिस्तान में आज पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स में बड़ी कमी मत हो। क्या ये कमी कितनी हो सकती है, फी तोला सोना कितना नीचे आ सकता है, आप भी अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल फ्रेश में आपके साथ शेयर करता हूं। आपको बताऊंगा पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में सोने का ट्रेंड क्या रहेगा, सोने के रेट्स में अजाफा हो सकता है, फिर सोने के रेट्स में ज़बरदस्त और कमर तौर कमी मत हुआ कि इंटरनेशनल मार्केटों में न्यूज़ जिसे हम डाटा बोलती हैं इसके मतलब बताएंगे, इंटर बैंक के मतलब क्या सारी पेशन गोई करेंगे, आपको बताएंगे मार्केटों में आज किसकी फेवर में डाटा साथ जा सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शॉर्टली देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक और फुली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा जो हर वीडियो में करता हूं, लेकिन आप उसे मानते थोड़ा सा कम है कि यार वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें फायदा होता है, अगर आप लाइक कम करते हैं तो इससे हमें काफी नुकसान होता है। क्योंकि मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको इस मार्केट से फायदा ही फायदा दिलवाकर दिखाऊँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और मेरी वीडियो को लाजमी से लाइक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो डिस्कस आगे करते रहेंगे, तो वीडियो का जल्दी से आगाज करते हैं और आगाज में इंटरनेशनल मार्केट से करूंगा। अगर दोस्तों इंटरनेशनल मार्केटों में डाटों की बात करें तो UMC यानी कि एक इंतहाई एक डाटा, लेकिन डाटे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ओनली एक डाटा, ये डाटा जो है ना इन तमाम डाटों पे भारी पड़ेगा। यानी ये एक डाटा ही गोल्ड की फेवर में आने से मार्केट को $20 एक दाम से ऊपर लेकर जा सकता है, और अगर मार्केट की फेवर में नहीं आता तो 2000 से नीचे भी ला सकता है, जिसकी एक्सेप्टेड की यानी कि मेरी एनालिसिस के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट ने अभी 2000 से नीचे का लो लगाना और उसके बाद मार्केट जो है ना दोबारा से अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपके रुबाबे अख्तियार इस मोड में बिल्कुल भी नहीं बैठे कि इंटरनेशनल मार्केट के नीचे आने चाहे ऊपर जाने से इसका कोई असर हमारे रुबाबे अख्तियार पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो रेट्स को ज़्यादा ऊपर और रेट्स को बहुत ज़्यादा नीचे कम लेकर आ रहे हैं। तो रेट्स की बात दोबारा से हो चुकी है, तो क्यों ना सबसे पहले पाकिस्तान में सोने के रेट्स जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या असर करें डॉलर की कीमतों के मतलब। आज डॉलर देखिए, मुझे इस वीक में डॉलर एक मरतबा प्लस दिखाई देता था, वो तो ऑलरेडी हो चुका और अभी मुझे उम्मीद है कि आज हो सकता है कि डॉलर प्लस में क्लोजिंग दे, लेकिन अगर ये प्लस में क्लोजिंग देता है तो ओनली हो सकता है कि अपडेट्स में एक मरतबा प्लस हो सकता है कि आज इंटर बैंक जो है ना माइनस में ना बल्कि सेम रेट पर इंटर बैंक में आज क्लोजिंग दे, लेकिन ज़्यादा चांस 10 और 5 पैसे की आज ज़्यादा तो कर सकते हैं। जी मैं दोबारा से रिपीट करूं, डॉलर के मतलब सिर्फ क्या असर रही है 100% आपको तभी बताएंगे जब आप 200 लाइक और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो का आगाज करते हैं, रेट्स की जानब बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले पाकिस्तान में पीस गोल्ड की, क्योंकि मैंने रात को कहा था कि सोना थोड़ा ऊपर वाले रेट में क्लोजिंग दे सकता है, तो बाइनरी सोना थोड़ा सा महंगा हुआ। मैं बात करूंगा पीस गोल्ड की, 2,20,700 रुपये सेल में और 2,20,200 रुपये बाइंग में। अगर मैं बात करूँ पठोर गोल्ड की, 2,18,500 रुपये सेलिंग में और 2,17,500 रुपये बाइंग में। बात करूंगा पेशावर में सेलिंग रेट्स की, 2,28,000 रुपये। बात करूंगा कराची में सेलिंग रेट्स की, 2,20,700 रुपये। बात करूंगा लाहौर में सेलिंग रेट्स की, 2,19,800 रुपये। और बात करूंगा चांदी में सेलिंग रेट्स की, 2,600 रुपये। यानी कि चांदी के रेट्स में भी हमने आज दोबारा से इजाफा देख लिया है, लेकिन चांदी जो है ना बहुत जल्द ये गोल्ड होने वाली है। बनिस्बत गोल्ड के मुकाबले में चांदी जो है ना आने वाले दिनों में गोल्ड होने वाली है, लेकिन गोल्ड में आपको एक सिंपल और शॉर्ट में एक क्लू देता हूं कि 2024 में गोल्ड 23 ऊपर जाएगा, लेकिन ओनली 1 से 1.5 मरतबा, मैं 2 भी नहीं कहता 3 मरतबा भी नहीं कहता 5 मरतबा भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 1 से 1.5 मरतबा आपको गोल्ड मार्केट ठीक ठाक प्रॉफिट देगी, लेकिन उसके लिए आपको परफेक्ट और बेस्ट टाइम ढूंढना होगा। अगर आप ये मुझ पे छोड़ते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको बाइंग का सिग्नल 100% टाइम पे दूं और 100% सेलिंग का सिग्नल भी दूं, तो उसके लिए जब हर वीडियो को मैं देखूंगा अगर 200 लाइक आना शुरू हो चुके हैं, अभी से मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा और आपने अपना काम करना है, आपने 200 लाइक कम्प्लीट करना है और मैं इंशाल्लाह आपको हर वीडियो में 100% जो है ना प्रिडिक्ट लगा कर दिखाऊंगा। और आप मानेंगे, आप बहुत सी यूट्यूब की वीडियोज देखते हैं, वो आपको घुमा फिरा कर बातें बताते हैं कि मेरी व्हाट्सएप की जो सर्विस है ना, मैं उसमें भी वो ऑथेंटिक बात बताता हूँ। यहाँ पे वो बातें कम की जाती है, लेकिन व्हाट्सएप पे इससे भी ज़्यादा डीपली बातें की जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग समझती हैं और यहाँ पे लोग टांगे खींचने वाले ज़्यादा होती हैं, यानी कि नेगेटिव बातें सोचने वाले ज़्यादा होते हैं। बाकी चले ये तो होता रहेगा, तो आप 18, 21, 22 के रेट जानती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई मज़े की आज रेट नहीं है 18, 21, 22 के। 18 कैरेट में पर तोला की बात करूँ 1,65,000 रुपये। बात करूंगा 21 कैरेट में पार्टोला की 1,92,200 रुपये।
बात करूंगा 22 कैरेट में पर तोला की 2,01,500 रुपये, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 21-22 के रेट हैं ये बिल्कुल मज़े के रेट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इन रेट में आप जो है ना रुबाब अख्तार में ज्वेलर हजरात जो कि खासकर 21-22 कैरेट आपके सामने रखती हैं और आपको पैसे लगाते हैं 24 कैरेट के, लेकिन गोल्ड देने में आपके लिए वो बहुत सी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं कि आपको ऐसा ऐसा लगता है कि जो मुझे गोल्ड मिला है ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज्वेलर जात मेरी वीडियो देखती हैं तो इसलिए मैं उनके लिए ऐसी बातें तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते तो मुझे पर्सनली रब्ता कर सकती हैं। लेकिन दोबारा से रिपीट करूँ कि मार्केट जो है ना आपकी बिल्कुल बाइंग के मूड में आ चुकी है, जो मर्जी कर लें जिस तरफ मर्जी चले जाएँ अब आपको मार्केट प्रॉफिट देने वाली है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मौजूदा सूरत मार्केटों में क्रिएट है और मार्केटों में मौजूद है, यहाँ पे बाइंग में रहना बेहतर है, ना कि आप जो है ना 100% कैश में रहें। लेकिन मर्जी आपने अपनी करनी है, क्योंकि जब तक 200 लाइक नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक मेरी तरफ से आपको बाइंग का ऑथेंटिक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आपको शॉर्टली लास्ट में न्यूज़ बताते हैं, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है। महंगाई में कमी के बाद 2024 के अवर और आखिर शरा सूद में नुमाया कमी के इम्कान, शरा सूद में नुमाया कमी के इम्कान आपके लिए बेहतर क्लू है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।